नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही बने रहिए। मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकंड लास्ट टैब। सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे प्रूफिंग टूल्स। प्रूफिंग ग्रुप में आने वाले, देखिए सबसे पहले आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर किसी भी वर्ड की स्पेलिंग चेक कराने के लिए होता है। जैसे कि हम बात करें, कोई वर्ड ले लेते हैं, कोई वर्ड जैसे कि नाइस ले लेते हैं, ओके। इसकी हमको ज़रा स्पेलिंग मिस्टेक कराते हैं और इसको ज़रा स्पेलिंग चेक कराते हैं। देखिए यहाँ पर नाइस जो है, इसका ओरिजिनल नेम था नाइस, ई लगा रहा है। हमने क्या करा था, डबल लगा दिया था, जो कि सही दे रहा है। यहाँ पर हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ ऊपर दिया है इग्नोर वंस। अगर हम इग्नोर वंस पर क्लिक कर देते हैं तो ये डबल ई ही ले लेता है, ओके। अगर हम इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हमने टाइप किए हैं जो कि गलत स्पेलिंग वाले हैं और हम इग्नोर ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो वो सारे वर्ड उसी तरह एक्सेप्ट कर लेता है। यदि हम चाहते हैं कि इस वर्ड को, जैसे कि हमने गलत जो टाइप किया है, इसको हम डिक्शनरी में ऐड कराना चाहें, तो यहाँ पर ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से हम चाहें तो चेंज कर दें और हमारा ओरिजिनल वर्ड आ जाता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर रिसर्च की। जब रिसर्च पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक साइड में टास्क पेन ओपन हो जाता है, जहाँ पर हम जा करके किसी भी वर्ड के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए गुड के बारे में जब उस रिसर्च कर रहा है तो इससे रिलेटेड सारे वर्ड्स ढूंढ करके दे देता है। हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, रिलेट करने वाले वर्ड्स देता है। वहीं थीजर्स पर क्लिक करते हैं तो सेम प्रोसीजर वही रहता है थीजर्स पे भी, जो थीजर्स का काम है मतलब सिनोनिम्स फाइंड करना, ओके। फिर अगर हम ट्रांसलेट पे क्लिक करते हैं तो ट्रांसलेट होता है वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। जैसे कि अभी लगी हुई है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, हम चाहें तो अफ्रीकन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। हमको यहाँ पर जो अदर लैंग्वेज के चेक कराने के लिए, यहाँ पर हमारे में वो लैंग्वेज जो है इंस्टॉल होनी चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके किसी वर्ड को अनदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कमेंट्स ग्रुप की। सबसे पहले यहाँ पर आता है न्यू कमेंट्स। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ लिखा था और हम चाहते हैं कि इस पर कोई कमेंट डाल दें, इसको सेलेक्ट करते हैं, कमेंट पे जाते हैं और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्ड, ओके, हमने ये लिख दिया। अब हम आते हैं नई जगह पर। देखिए कमेंट्स यहाँ पर पड़ेगा, वहाँ पर इस तरीके का रेड जो है आइकन्स होता रहेगा। और यहाँ पर हमने एक नई कमेंट डाल देंगे, यहाँ जाएंगे न्यू कमेंट और यहाँ पर हमने कुछ भी डाल दिया है, कुछ भी, ओके। इस तरीके से हमने दो जगह कमेंट हमने लगा दी हैं। अगर हम यहाँ पर हैं तो हम प्रीवियस के थ्रू फर्स्ट वाली पर जा सकते हैं, ओके, और इस नेक्स्ट के थ्रू सेकंड वाली पर आ सकते हैं। सो एंड हाइड कमेंट्स के थ्रू अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी कमेंट हाइड हो जाती है अगर हमारी शो हो रही होती हैं, अगर नहीं शो हो रही होती हैं तो हाइड हो जाती हैं। देखिए अगर हम शो एंड हाइड पे अगर पहले से ऑन करते हैं तो शो होती हैं और नहीं तो हाइड रहती हैं। इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने सारी कमेंट्स दिखानी है, मतलब देखनी है, शो ऑल कमेंट पर क्लिक कर देते हैं तो सारी कमेंट्स शो हो जाती हैं। देन है चेंजेस, और इसमें सबसे पहला है प्रोटेक्ट सीट। जिस सीट पे हम काम, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीट वन पे हम काम कर रहे हैं, अगर इस सीट को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर रहे हैं और यहाँ से कोई पासवर्ड देते हैं 1234 इस तरीके से। फिर ये यहाँ पर री इंटर पासवर्ड मांगता है 1234 और हमारी ये सीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं टाइप करने देता है। तो इस तरीके से हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सीट टू पे आए तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ये केवल सीट वन प्रोटेक्ट करने के लिए थी। अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट कर दें तो अगेन हमसे पासवर्ड मांगता है, तो हम 1234 करके डाल दिया और पासवर्ड हटा गया। फिर अब बात करेंगे अगर पूरी वर्कबुक हमें अगर प्रोटेक्ट करनी हो, जैसे कि सीट वन, सीट टू, थ्री, या हम कोई भी नई सीट भी लें और उस पर भी कोई चेंजेस ना कर पाए, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक पे आते हैं और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस लगा देते हैं। हमारा प्रोटेक्ट वर्कबुक, देखिए इसको कैसे देखते हैं, जैसे हमने कोई, अभी क्या है, हम कुछ भी लिख रहे हैं और
और C2 को अगर हम चाहें तो यहाँ पर डिलीट, इंसर्ट, रिनेम कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं और प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसमें कोई पासवर्ड अगर लगा देते हैं, 123 कर दिया हमने, रेंटर कर दिया और ओके कर दिया। अब आते हैं जरा सीट टिप, यहाँ पर जितनी भी सीट टैब हैं किसी पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर इंसर्ट ना कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही रिनेम और मूव और कॉपी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और अगेन पासवर्ड अपना दे देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें तो देखें यहाँ पर सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक क्या होती है? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन अगर एक ऐसी वर्कबुक है जिस पर एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर जिस भी सीट, जहाँ पर 255 सीट होती हैं, हमें पता होना चाहिए एक वर्कबुक में, और ये सारी वर्कबुक जो है एक शेयर रहती है। अगर हमारा नेटवर्क से जुड़ा हुआ, मान लिया हमने कोई अपना नेटवर्क बनाया हुआ, लाइन बनाया हुआ लोकल एरिया नेटवर्क, और उस पर ये वर्कबुक अगर शेयर कर देते हैं तो यूज़र्स एक से अधिक हैं तो कोई भी चेंजेस कर सकता है उसमें, ठीक। और इसमें सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंज। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर से कोई एक रेंज सेलेक्ट करी, इस रेंज को आप भूल ना पाएँ इसलिए हम क्या करते हैं इस पर एक बॉर्डर अप्लाई कर दें, ठीक। और हम आते हैं फिर से रिव्यू टैब पर और यहाँ पर अलाउ यूज़र्स टू एडिट रेंज पर क्लिक करते हैं। ये रेंज हमको देनी है जहाँ पर यूज़र कुछ एडिट कर पाएँ और कहीं भी एडिट नहीं कर पाएँ, मतलब कि पूरे सीट पर केवल अगर कोई यूज़र चेंज कर पाए तो बस इतनी रेंज में चेंज कर पाए और बाकी पर कोई चेंज ना कर पाए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी में हम कब चेंज नहीं कर पाएगा वो इससे समझते हैं। देखिए न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेंज का नाम देना होता है, जैसे कि रेंज वन इसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है, इसी को नाम पड़ा रहने देते हैं। और यहाँ पर हमको ये एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। हम एरिया चाहें तो और भी बड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने में हम चाहें चेंजेस हो पाए। और इस रेंज के लिए हम कोई पासवर्ड दे देते हैं, 123 दे दिया, ओके किया, फिर इसको रीएंटर करा, 123 ओके कर दिया। अब एक्चुअली अगर हम कोई दूसरी एरिया पे चेंज करते हैं तो ही चेंज होगा, लेकिन इस एरिया पे हमको चेंज लाने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अदर एरिया पर कोई अगर कुछ चेंजेस करे और वो चेंज ना हो पाए तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पासवर्ड हमको एक दे देना होगा, 1234 हमने दे दिया, ओके 1234 ओके। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड, मतलब प्रोटेक्टेड के लिए शो कर रहा है मैसेज। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो ये पासवर्ड मांग रहा है, अगर हम पासवर्ड दे देते हैं इसको तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ओके। फिर हम समझते हैं प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक, ये तब आएगा जब हम इसको शेयर कर पाएंगे, ठीक। तो हम पहले इसको शेयर करते हैं वर्कबुक को। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है एडिटिंग और उसमें दिया है अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूज़र एट द सेम टाइम, उसी समय पर एक यूज़र से अधिक यूज़र को चेंजेस करने के लिए हमको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, ठीक। सेम टाइम पर अगर एक से अधिक यूज़र चेंजेस कर रहे हैं तो इसके लिए हमको अलाउ करना पड़ेगा। फिर आते हैं एडवांस पे, एडवांस पे देखते हैं सबसे पहले ट्रैक चेंजेस है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कीप चेंजेस हिस्ट्री फॉर 30 डेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो चेंजेस हुए हों 30 डेज में चेंज हो उसकी हिस्ट्री, तो यहाँ पर लगा रहने देंगे इसको, या फिर घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हिस्ट्री ना चेंज हो तो डोंट कीप चेंज हिस्ट्री पर क्लिक कर दें। अपडेट चेंजेस जो हम अपडेट कर रहे हैं वो हर 15 मिनट पे चेंज हो रहे हैं होना चाहते, अगर चाहते हो कि हर 15 मिनट पे ऑटोमेटिकली हर चेंज सेव होता रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एवरी पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज जब फाइल सेव करी जाएगी तभी वो चेंजेस चेंज हो पाएंगे, ठीक। फिर यहाँ पर आते हैं कन्फ्लिक्टिंग चेंजेस बिटवीन यूजर्स, आस्क मी विच चेंजेस विन, जो चेंज हो रहा है वो उससे आपसे पूछा जाए कि आपको चेंज चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर जब भी कोई यूज़र अगर चेंजेस कर दे तो उसे चेंज ऑटोमेटिक सेव हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हम इसको चाहे तो ऊपर वाला अगर करते हैं तो पूछेगा हर बार, नहीं तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, और ओके कर देंगे। यहाँ पर किसी नाम से हमको सेव करनी होती है वर्कबुक, वो तो बुक 4 के नाम से जैसे है, यहाँ पर हम
सेव करा लेते हैं इसको इस तरीके से। अब ये सेव हो चुकी है। हम चाहते हैं कि इस वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर दूँ किसी पासवर्ड से, मतलब अगर पासवर्ड तुम्हें पता है तभी तुम चेंज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो हम प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं और फिर ओके, और ये हमारी जो है सीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। ओके, और यहाँ पर आपका रिव्यू टैब जो होता है फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल सके और आप रहें सबसे आगे। अगर आपको लगता है जो लोग आपके खास हैं और ये वीडियो उनके काम आ सकता है तो उन्हें अवश्य शेयर करें। थैंक यू।